देखिए, कहीं ना कहीं जो पार्टी सत्ता में बैठी है उन्होंने धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करके इस देश को और धर्मों को भी बदनाम करने की कोशिश की है। कोई धर्म नहीं कहता कि हिंसा करी जाए, कोई धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म वालों को पालना करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के लालच में लोग जो है एक दूसरे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा इवन इस धार्मिक कांड के अंदर भी बड़े बड़े लोग जो है उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। मदन दिलावर जी हाउस में उनका समर्थन कर रहे हैं। आप एक अपराधी का समर्थन कैसे कर सकते हो जिन्होंने दो आदमी को जिंदा जला दिया? तो कहीं ना कहीं राजनीति लाभ लेने के लिए हम इंसानियत को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। और आने वाले वक्त में अगर ऐसा हुआ तो हमारा भाईचारा भी टूटेगा और देश की अखंडता टूटेगी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जब उदयपुर कांड हुआ तो हम सब लोग वहां खड़े थे, सारी पार्टियां वहां खड़ी थी, लेकिन आज जब वहां उनको भी तो जाति के नाम पे मारा गया है, उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी उनसे, वो उनको जानते पहले पहचानते नहीं थे, लेकिन जाति और धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने के लिए इसी कारण से वो मौत की भेंट चढ़ गए। तो कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा, सदन में बहुत सारे साथियों ने आवाज उठाई और आज वहां वो जा रहे हैं। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि उनके परिवार को राहत मिलेगी। पहले दिन गए थे, पहले दिन जिस दिन मैं यहां ओवैसी से पहले मैं गया था, यहीं पे मैं अब ये बात उठा के गया था, ऐसा नहीं है कि मामला नहीं उठा, लेकिन फिर भी चाहे देर हुई पर सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। और ओवैसी से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वो हमारे नागरिक हैं, हम सरकार हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी इलाके में आके कोई अपहरण करेगा, मार पीटेगा, ले जाके जला देगा तो हम कहां रहेंगे? हमारी जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करना और अगर कोई घटना हुई है तो उनको राहत देना। जब उदयपुर कांड हुआ तो पूरी सरकार वहां खड़ी नजर आई, जब एक मुसलमान ने हिंदू को मारा तो पूरी सरकार, पूरा देश वहां खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन अगर हिंदुओं ने मुसलमान को मार दिया तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम वहां खड़े हों और उनके साथ खड़े नजर आए? उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि उनके परिवारों को राहत मिलेगी और जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।